तो मैट्रिक्स में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक फिनिश करते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सीबीएसई में क्वेश्चन आता है उसमें इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से, लेंदी क्वेश्चन और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है। देख लेते हैं कैसे करना है इसको। डेफिनेशन डिफाइन किया हुआ है इसको। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसका निकलेगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। तो पहली बात तो जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो स्क्वायर होनी चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि अगर एक मैट्रिक्स ए है, अगर एक मैट्रिक्स ए है और हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, तो अगर ए का मल्टीप्लिकेशन बी से, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है ऑफ द सेम ऑर्डर। ए का ऑर्डर भी एम है और बी का ऑर्डर भी एम है। तो अगर सेम ऑर्डर का हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो हम कहेंगे ए बी का इन्वर्स है, ए इज इन्वर्स ऑफ बी एंड बी इज इन्वर्स ऑफ ए। ठीक है, इसे निकालेंगे कैसे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को, इन्वर्स मैट्रिक्स को, उसके अभी ऑपरेशन देखेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालेंगे अभी, डिटरमिनेंट से पहले, और दूसरा मेथड है वो बाद में आएगा। तो बी सेट टू बी इन्वर्स ऑफ ए एंड वाइस वर्सा, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ये हम देख चुके हैं यहाँ पे। अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डू नॉट हैव इन्वर्सेस, क्योंकि मैट्रिक्स होने के लिए ये जो हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का आएगा, इसका डायगनल होगा। एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डू नॉट हैव डायगनल्स। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं आ सकता, नो इन्वर्स। दो थ्योरम्स होती हैं वो हमें याद रखनी पड़ेंगी, बुक में दे रखा है उनका एक्सप्लेनेशन, कि जो हमारा इन्वर्स आएगा वो यूनिक आएगा। दैट मीन्स अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और हम कह रहे हैं कि इसका इन्वर्स बी आ गया, दैट मीन्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए इज इक्वल टू आई आ गया, और किसी दूसरे बच्चे ने निकाला उसका इन्वर्स सी आ गया, तो दो इन्वर्स नहीं होंगे इसके, इन्वर्स तो एक ही होगा। दैट मीन्स एक ही आंसर आएगा। दैट मीन्स देर इज सम फॉल्ट आइदर इन दिस मैट्रिक्स और इन दिस मैट्रिक्स। ठीक है, थ्योरम हमने प्रूव किया हुआ है। और सेकंड है हमारे पास ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये इंपॉर्टेंट है। ए इंटू बी का इन्वर्स, ये भी फिर थ्योरम है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। आपको ये रिजल्ट याद रखना है, लर्न द रिजल्ट। मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल करने के लिए हमें क्या करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस करने हैं, तो वो देख लेते हैं। एग्जाम में लिखा हुआ आता है कि यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते क्या हैं, कुछ रो ऑपरेशंस हैं और कॉलम ऑपरेशंस हैं। तीन रो ऑपरेशंस हैं और करस्पॉन्डिंग तीन कॉलम ऑपरेशंस हैं। तो रो ऑपरेशंस क्या हैं, मैं किसी भी रो को दूसरी रो से रिप्लेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या लिखा, R1 R3, R1 को मैंने रिप्लेस कर दिया R3 से, R1 आ गया R3 की जगह, R3 आ गया I1 की जगह, R1 की जगह। करते क्यों हैं, बिकॉज हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करना होता है, तो ये रिप्लेसमेंट इसलिए चाहिए। सिमिलरली आई कैन रिप्लेस द कॉलम्स ऑल्सो। सेकेंडली, आई कैन रिप्लेस एनी रो बाय मल्टीप्लाइंग अ कॉन्स्टेंट विद दैट रो एलिमेंट्स। मैं लिख दिया R1 इज इक्वल टू 5R1 या 1/5R1। हो सकता है R1 में हमारे पास एक एलिमेंट आ रहा हो 5 और मुझे वहाँ चाहिए हो 1, तो मैंने 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आई विल गेट द रिजल्ट। सिमिलरली विद द कॉलम्स। और तीसरा है, मैं एक रो में किसी दूसरे रो एलिमेंट्स को ऑपरेट करके ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, रीज़न क्या होगा इसका, हो सकता है मुझे कहीं पे जीरो जनरेट करना हो, तो फॉर जनरेटिंग जीरो मुझे कोई ऐसा ऑपरेशन करना पड़े। अच्छा, जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे, इसका मीनिंग ये हुआ, R1 + 5R2 जो है, इट इज़ बीइंग, ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू किसे चेंज करेगी, R1 को चेंज करेगी। R1 = 1/5R1, तो ये चेंजेस कहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे, R1 में रिफ्लेक्ट होंगे,
और यहाँ पे दोनों रिप्लेस हो जाएंगे। सिमिलरली फॉर कॉलम, तो या तो हम रो ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं या हम कॉलम ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, तो आई प्रिफर रो ऑपरेशंस। ओके, बुक में दोनों दिए हुए, यू कैन गो थ्रू द बुक, बट अभी हम रो ऑपरेशंस यूज करके, मैं आपको पूरा एग्जांपल बता देता हूँ, लेंथी एग्जांपल है बट लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद आप अपनी कंप्लीट एक्सरसाइजेस जो मैट्रिसेस की हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ वो कर पाएंगे। तो हमें एक ये मेथड वन लिखा हुआ है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, ए इज इक्वल टू, और ये 3x3 है, हमें तो स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए क्या करने के लिए, इन्वर्स निकालने के लिए। तो प्रोसीजर है, हमने लिख लिया ए इज इक्वल टू आई, ये ए दिया हुआ है इज इक्वल टू आई इंटू ए, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगनल एलिमेंट्स वन होंगे इंटू ए। अब हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं, तो उससे होगा क्या, बेसिकली जब हम ऑपरेट करेंगे कोशिश ये होगी कि हमारे पास अभी लिखा हुआ ये ए इज इक्वल टू आई ए दिखाई दे रहा है। अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऐसे लगाते हुए जाएंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास जनरेट हो जाए, यहाँ पे तो हमारे पास आई जनरेट हो जाए, और यहाँ पे एक और मैट्रिक्स मैट्रिक्स बन जाए, क्योंकि रो ऑपरेशंस लगाएंगे तो यहाँ पे भी चेंजेस आएंगे, इधर भी चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास मैट्रिक्स जनरेट होती हुई जाएगी एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हुए, उसको लास्ट में जो आएगी उसे हम बोलेंगे ए इनवर्स, अगर यहाँ पे आई जनरेट हो जाता है। ए इनवर्स बोल लिया या बी बोल लिया, तो हम कहेंगे बी इज इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज इनवर्स ऑफ बी। तो ये हमें करना है, करते हैं। अब देखिए करना कैसे है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे और आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस को। तो कोशिश हमारी ये होगी कि पहले हम यहाँ पे वन जनरेट करें, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो ये आईएनटी मैट्रिक्स लेके आना है, तो जीरो की जगह तो वन होना चाहिए था, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे ही करें प्लीज़। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, वन चाहिए, और वन कैसे जनरेट करेंगे, यहाँ पे हमने रिप्लेस कर लिया, ये आर वन है, ये आर टू है, आर थ्री है, आर वन को रिप्लेस कर दिया आर टू से, आर टू को रिप्लेस कर दिया आर वन से, तो यहाँ पे वन आ जाएगा ना, तो वन टू थ्री हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया, वन टू थ्री, और इस रो को नीचे लेके आ गए जीरो वन टू और फिर थ्री वन वन। सिमिलरली यही ऑपरेशन राइट हैंड साइड पे भी होगा, जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, तो यहाँ पे वन आ गया। अब मुझे करना क्या है, नेक्स्ट जीरो जनरेट हो चुका है, तो इसके लिए मुझे कुछ करना नहीं है, वन जीरो तो आ गया, अब इस जगह जीरो लेके आना है। यहाँ पे जीरो कैसे आ जाएगा, मैं इस रो में से थ्री टाइम्स ये माइनस कर दूंगा, थ्री वन जै थ्री हो जाएगा, तो थ्री माइनस थ्री जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज किस में आएगा, चेंज सिर्फ आर थ्री में आएगा, और दोनों ऐसे रहेंगे, तो पहले जो और सेम रहेंगे उन्हें ऐसे उतार लिया, क्योंकि गड़बड़ होने के चांसेस हैं, जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो। अब इसी में रिफ्लेक्ट होगा चेंज, आर थ्री माइनस थ्री आर वन, थ्री माइनस थ्री जीरो, वन माइनस सिक्स माइनस फाइव, वन माइनस नाइन माइनस एट, ठीक है, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री, वन माइनस जीरो वन, राइट। अब इसके आगे चलते हैं, वन जीरो जीरो जनरेट हो चुका है, अब यहाँ पे जीरो जनरेट करेंगे। यहाँ पे जीरो जनरेट करने क्या करेंगे, इस रो में हम फाइव टाइम्स रो टू ऐड कर देंगे, तो जीरो आ जाएगा, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, आर थ्री इज इक्वल टू आर थ्री प्लस फाइव आर टू। यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे आएंगे, थर्ड रो में आएंगे, तो हम पहली दोनों रो तो ऐसे उतार लेंगे फटाफट। थर्ड रो में चेंज आ गया हमारे पास, ये हमने जो पिछले स्लाइड से आया वही रिजल्ट है ये। तो आर थ्री प्लस फाइव आर टू जीरो, आर थ्री प्लस फाइव आर टू टेन माइनस एट टू, तो ये आ गया रिजल्ट। सिमिलरली हमने राइट हैंड साइड में रिजल्ट देख लिया और रिजल्ट आ गया हमारे पास ये। अब ये जीरो जनरेट हो चुका है, मुझे चाहिए यहाँ पे वन, तो वन तो सिंपली आ जाएगा, मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा आर थ्री को, तो आर थ्री को मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर वन में कोई चेंज नहीं आएगा, आर टू में कोई चेंज नहीं आएगा, आर थ्री में चेंज आएगा, तो ये वन आ गया। और सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी हाफ से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास जो ऑपरेशन है लेफ्ट और राइट हैंड साइड में दोनों जगह चलेगा, तो ये आ गया हमारे पास। ओके, अब क्या करना है, अब इस टू को चेंज करना है।
अर्थ टू के लिए क्या चाहिए, जीरो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, आर टू माइनस ट्वाइस आर थ्री कर दूंगा, क्योंकि ये तो सेम रहेगा, जीरो माइनस जीरो, वन माइनस समथिंग, इतना रहेगा, और इसी को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसी स्केलर से और इसमें ऐड कर दूँगा, तो आर टू माइनस टू टाइम्स आर थ्री, तो टू माइनस टू जीरो आ जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे भी करेंगे, तो ये किया हुआ है हमने आर टू माइनस टू आर थ्री, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जीरो आ चुका है, और ऑपरेशन यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी हमारे पास एलिमेंट चेंज हो गए हैं, कहाँ पे, सेकेंड रो में माइनस फोर थ्री माइनस वन। अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए ये सब कुछ आ चुका है, जीरो आ चुका है, अब हमें से जीरो करना है, आई वॉन्ट टू मेक इट जीरो। ये जीरो कैसे हो जाएगा, मैं आर वन में से थ्री टाइम्स आर थ्री माइनस कर दूंगा, तो ये दोनों सेम रहेंगे और यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक। तो आर वन इज इक्वल टू आर वन माइनस थ्री आर थ्री, चेंज किस में आएगा, आर वन में आएगा, तो आर टू को ऐसे ही लिखा हुआ है, आर थ्री को ऐसे ही लिखा हुआ है, आर टू को ऐसे ही लिखा हुआ है, आर थ्री को ऐसे लिखा हुआ है, आर वन में चेंज आ रहा है, तो ये जीरो आ गया इधर, और सिमिलरली हमने यहाँ पे भी चेंज कर दिया, आर वन माइनस थ्री टाइम्स आर थ्री, ए को ऐसे लिख दिया आगे। अब यहाँ पे रह गया ये एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट रह गया टू, इसे चेंज करना है, तो ये तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, मैं इसमें से आर वन में से टू टाइम्स आर टू माइनस कर देता हूँ, ये दोनों सेम रहेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन जेन यहाँ पे जीरो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो आर वन इज इक्वल टू आर वन माइनस टू आर टू, तो हमने देख लिया यहाँ पे जीरो जनरेट हो चुका है, और यहाँ पे दिस इन टू ए है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं था, सॉरी, तो यहाँ पे स्पेस नहीं था, मैंने ए को यहाँ लिख दिया, तो ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने देख लिया ये तो आई आ गया, ये एक मैट्रिक्स जनरेट हो गया, लेट अस से इट इज ए इनवर्स, ए इनवर्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया ए से, तो हम कह सकते हैं ये जो मैट्रिक्स आ गया इट इज इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। तो रिजल्ट ऐसे आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया हमारे पास एक मैट्रिक्स आईडेंटिटी मैट्रिक्स, और राइट हैंड साइड पे ये रिजल्ट आ गया इन टू ए, तो आई कैन से कि दिस इज द इनवर्स ऑफ ए, इसे या तो नाम दे दिया बी या दे दिया ए इनवर्स, तो ये रिजल्ट हमारा आ गया। इस क्वेश्चन में टाइम लगता है अप्रॉक्सीमेटली इट टेक्स 6 मिनट्स, ठीक है, गलती नहीं करनी है, ये अगर प्रैक्टिस होगी तब तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अदरवाइज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एट द लास्ट, बिकॉज ये टाइम कंज्यूमिंग है, और अगर आपने गलत कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, टाइम भी वेस्ट होगा, तो ये टू प्रैक्टिस, ऐसे तीन चार क्वेश्चन कर लीजिए, इसमें आप रो ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, इसमें आप कॉलम ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, बट रो ऑपरेशंस करें ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रो को हम कई बार ऑपरेट करते हैं। सो नाउ वी कैन स्टार्ट द एक्सरसाइजेस, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।